आज के हमारे मेहमान बहुत खास हैं, क्योंकि वो इस देश के जाने माने तबला वादक तो हैं ही, इसके अलावा उनकी जो कहानी है वो बहुत दिलचस्प है। और वो कहानी इसलिए दिलचस्प है क्योंकि उसमें उनकी संगीत साधना के साथ साथ उनका जो सफर है वो बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा है कहना चाहिए, या बल्कि आप कह सकते हैं कि किसी बॉलीवुड के डायरेक्टर को अगर पूरी कहानी पता चले तो हो सकता है वो फिल्म ही ना ऑफर कर दे कि चलिए फिल्म बनाते हैं इनके जीवन पर, क्योंकि काफी काफी मजेदार सफर रहा है। बातचीत करते हैं, मिथिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो आपका कि आपने एक प्लेटफॉर्म पर हमको एक मौका दिया अपनी बात कहने का, और जो लोग भी हमको सुन पा रहे हैं इस ढंग से बातचीत करते हुए, ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों को आदत होती है स्टेज में गए, तबला बजाया, तालियां पड़ी, उसी से समझ लिया कि लोगों ने क्या कहा। तो ऐसे बातचीत में बहुत मजा आता है। बिल्कुल, और इस बातचीत का फॉर्मेट रखा भी ऐसा ही है मिथिलेश जी, की बहुत सामान्य सी बातचीत और बहुत जिससे कुछ कुछ रंग कुछ रस निकले और मजा आए सुनने वालों को। पिछले 2-3 महीनों में ऐसा संयोग हुआ कि मुझे बहुत सारे तबला वालों से इंटरव्यू करने का मौका मिला। मतलब उसमें आनंद बादामिकर जी के पास चले जाइए, आप उस तरफ से लेकर कलकत्ता में आप चले जाइए, अनिंदो दा के से बात करने से लेके, तन्मय दा से लेके, फजल कुरैशी साहब से लेके, मतलब बहुत सारे तबला वालों से मैंने बात किया, और एक चीज को लेकर बहुत अलग अलग राय मिली। तो मुझे लगता है मैं उसी सवाल से आपके साथ बातचीत शुरू करता हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। मुद्दा ये उठा कि क्या तबला संगत का वाद्य यंत्र है या फिर वो सोलो का वाद्य यंत्र है। मैं निश्चित तौर पर जानता हूं कि इस सवाल का जवाब भी आपने कई बार दिया होगा इससे पहले, और ये बहस का विषय है बड़ा। आप किस तरह से देखते हैं तबले को? देखिए, मेरी समझ में तबला संगत का ही वाद्य है, और इसका अपना अस्तित्व है। इसलिए चूंकि तबला एक ऐसा साज है हमारे पर्कशन में, इंडियन पर्कशन में, कि जिसकी अपनी भाषा है। सिर्फ तबला और पखावज ही एक ऐसा साज है जिसकी अपनी भाषा है, जैसे और किसी भी इंस्ट्रूमेंट का ऐसे भाषा नहीं है। जैसे हम आपको बताएं कि जैसे आप सितार बजाते हैं तो आपको गाने से कनेक्ट करना पड़ता है। कि आप राग सीखते हैं, उसी राग के सरगम को बजाते हैं, तो इट मींस कि सितार की अपनी भाषा नहीं है। इसलिए अगर सितार या सरोद या फ्लूट जब भी आप सीखते हैं तो आप उसको स्वर को किस ढंग से लेते हैं कि डाडे डाडा 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 ऐसे करके लेते हैं। लेकिन तबले में आपको एक वर्णमाला मिलता है कि हमारे तबले में जैसे 10 वर्ण हैं, जिससे ये पूरे तबले का जो बोल बनता है और कंपोजिशन बनते हैं। तो तबला का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन तबला पूर्ण तभी होता है जब वो संगत में बैठे। और ये खासियत है तबले की कि आज तबला इस पोजीशन में है कि तबले को डांस वाले भी यूज कर रहे हैं, तबले को लाइट म्यूजिक वाले भी यूज कर रहे हैं, तबले को फ्यूजन वाले भी यूज कर रहे हैं। मतलब तबला एक ऐसा कॉमन साज हो गया है और ऐसा म्यूजिक के फील्ड में ऐसा एक स्टेटस सिंबल हो गया है कि तबला है तो लोगों का एक लगता है कि इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा हो गया कि अच्छा तबला भी देख रहे हैं। तो इसमें नो डाउट कि हमारे जो बड़े बड़े पुरोधा हैं, हम लोगों को इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ा है कि हम लोगों को एक बनी बनाई थाली मिल गई है कि जिसमें कि सारे 4-5 तरह के डिश हैं, सबका मजा हम लोग ले पा रहे हैं। लेकिन इसको बनाने में जिन जिन लोगों ने मेहनत किया है वो बड़े पुरोधा लोग हैं, और जिन्होंने बहुत मेहनत किया है, जिसमें अगर आप पुराने समय से देखें तो पंडित कंठे महाराज जी, उस्ताद धर्मचंद त्रिकवा खां साहब और पंडित अनोखीलाल मिश्रा जी, उस्ताद अलारखा खां साहब, इन लोगों ने बड़ी मेहनत करके तबले को जगह दिलाई है। और फिर
जिस नाम को अब सबसे ज्यादा हम लोग जानते हैं, पंडित किशन महाराज गोदे महाराज, इन्होंने इसके मुकाम को बहुत ऊपर लेके आए और इंटरनेशनल फेम अगर किसी ने दिलाया तबले को कि आज तबले का बैग, तबले के बैग में, या बल्कि आप ढोलक लेके सफर करें, अभी उल्टा हो गया है कि इंडिया में लोग कहते हैं तबले को कि ढोलक है क्या, लेकिन विदेश में लोग ढोलक को भी कहते हैं देर इज तबला। तो तबले को इंटरनेशनल फेम दिलाया जाकिर भाई ने। बिल्कुल। और तो तबले का दोनों पक्ष जो है वो बहुत मजबूत है कि सोलो के हिसाब से भी हम लोग भी बजाते हैं, सोलो के इतने ज्यादा सब्जेक्ट है, तो चूंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है तबले का, तो इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि सोलो चाहे तो आप 5 घंटे सोलो सुने, लेकिन उससे तबला फिर भी पूर्ण नहीं होता है। उसका उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, इसमें कब काम होगा अगर, क्योंकि ये एक ही स्वर का साज है, आप इसको मिला लेते हैं सा में तो उसी में रहता है, बाकी सारी मैथमेटिक्स चलती है लेकिन सुर एक ही जगह रहता है। तो मेलोडी एक एक थोड़ी देर के बाद आपको लगता है कि तबला जानना जरूरी है तबला सुनने के लिए, इसीलिए सोलो कम होता है, लेकिन सोलो का साज है लेकिन पूर्ण होता है तबला संगत में ही, मेरा यही मानना है। अभी आपने अनोखे लाल जी का नाम लिया और देखिए मैं भी बता रहा था ना कि बहुत सारे तबला वालों से बात हुई, तो रामकुमार जी से भी बात हो रही थी, उन्होंने भी बिल्कुल साफ कहा कि वो तो संगत का ही वाद्य यंत्र मानते हैं और इसीलिए वो लगातार संगत के में हम लोगों को दिखाई भी देते रहते हैं। मित्रेश जी, अब ये जानना बड़ा दिलचस्प है, जैसा मैंने शुरू में कहा कि कोई बॉलीवुड वाला अगर आपकी पूरी कहानी सुन ले तो कहीं ऐसा ना हो आपको कहे कि फिल्म बनाते हैं आपके जीवन पे। ये बिहार से बिहार में रह के वहां तबला सीखना, ये कैसे, मतलब ये दिमाग में कैसे आया, शुरुआत कैसे हुई, ये जानना बहुत दिलचस्प है। जी जी, बहुत छोटा सा है वैसे, हम लोग, हमारा जो ओरिजिन है वो गांव का है। बिहार में पूर्णिया जिला है, पूर्णिया में एक गांव है, छोटा तो नहीं है, बहुत बड़ी बस्ती है वो, उसका नाम है सुखसेना, और हमारे दादाजी के टाइम से ही हम देखते थे, पहले एक कल्चर हुआ करता था कि कलाकार आते थे हर, मतलब चाहे तो कोई पर्व हो, कृष्णाष्टमी है, दशहरा है, होली है, तो सब सब में क्या होता था कि संगीत के प्रोग्राम होते थे, चाहे स्तर उसका जैसा भी हो लेकिन होता था। तो हम लोगों के यहाँ हर हर बार देखते थे कहीं ना कहीं से कोई क्लासिकल गाने वाले बजाने वाले वो आ रहे हैं, और दादाजी को देखते थे कि गांव के जो समृद्ध लोग होते थे वो आते थे, और मतलब हमको लगता है कि शायद 200-300 लोग बैठते थे दरवाजे पर खुले, और कलाकार का कोई बहुत बड़ा डिमांड नहीं होता था। हम लोग ने बहुत सारे प्रोग्राम देखे हैं बिना माइक्रोफोन के, बड़े बड़े कलाकारों को, और बड़े मस्ती में गाना बजाना होता था, कोई होटल नहीं था, घर में ही रुकते थे, खाना पीना खा रहे हैं, घर में रह रहे हैं, और एक दिन अगर कोई कलाकार आए हैं, एक दिन प्रोग्राम हो रहा है, 2-3 दिन ऐसे ही घूम रहे हैं, थोड़ा बगीचा देख रहे हैं, पोखर जा रहे हैं, मछली मारने का मजा ले रहे हैं कि मछली मारना है कैसे करते हैं आप लोग वो दिखाइए, वो भी देखा है हमने। और फिर 3-4 दिन के बाद उनको, हाँ ठीक है, एक दिन फिर गाना बजाना होगा, कोई ये नहीं था कि कितना आइटम गाना हो गया उसके हिसाब से पेमेंट होगा, ये सब नहीं था पहले। तो उस संस्कृति से हमने देखा कि वो, तो हमारे पिताजी को शौक था, वो एकदम शौकिया जैसे होता है कि दादाजी के बड़े बेटे थे, उनको शौक था, तबला वगैरह रखा था, वो सीखते थे, बनारस में पढ़ते थे BHU में, तो उनको शौक था, तो बनारस में एक तबले का अलग एक गूंज थी, तबले की चारों तरफ तबले की आवाजें आ रही थी, तो पिताजी को लगता था कि मेरा कोई बेटा हो तो हम उसको ढंग से तबला सिखवाएं, हम तो शौक से ऐसे ही तबला बजाते हैं थोड़ा बहुत सीख के। तो मेरा जब जन्म हुआ तो हमसे बड़े भाई भी हैं, एक बड़े भाई हैं हमसे, लेकिन उनको उतना शौक नहीं था, तो पिताजी ने उनके लिए उतना नहीं किया। मेरा शौक हुआ तो हमको थोड़ा ध्यान रहता था कि तबला घर में था तो हम थोड़ा रोते थे, जबरदस्ती तबला लेना चाहते थे,
पिताजी की मनाही थी कि तबला कोई छुए नहीं, खराब हो जाएगा ये घर। तो मेरे चाचा जी ने उनको बताया कि भाई साहब आप जानते हैं, उनको बड़े भाई थे हमारे पिताजी, तो बोले कि आप जानते हैं कि मिथिलेश धाधा तेटे धाधा तुन्ना बजा लेता है। तो हमारे पिताजी बोले अरे तुम तो जैसे ऐसे कह रहे हो बिना सीखे बजा लेता है। बोले हाँ बजाता है, आप जो बजाते हैं ना, आप जब चले जाते हैं तो जीत करता है, रोता है तो तबला दे देते हैं हम लोग। तो बोले अच्छा बोलो, तो हमारे चाचा जी हमको ताली देना सिखाते थे ऐसे दो। तो हमारे पिताजी ने सुना दादा तेटे धाधा तुन्ना, कहा कि एक गुण और दो गुण करो, वो किया। उस समय हम 6 साल के थे। तो पिताजी बोले कि नहीं, इसके अंदर हमको लगता है कि इनबिल्ट कुछ है, तो इसको हम ले जाते हैं, परिवार को नहीं ले जाएंगे, क्योंकि परिवार में क्या होता है कि पहले दादाजी भी को हम लोग देखते थे, पिताजी ले गए हमको, और जब रियाज करवाते थे मेरे पिताजी, और जब हम लोग गाँव आते थे तो दादाजी मेरे पिताजी पर गुस्सा होते थे कि बच्चा को तुम मार देगा, इतना देर तक रियाज करवाता है, छुड़वा देते थे, छोड़ दो। माँ लड़ाई कर लेती थी जब मेरे पिताजी से कि इतना देर तक, और पिताजी तो क्या किए कि माँ को नहीं ले गए, हमको ले गए। एक उन ऑफिस से उनको मिला हुआ था एक चपरासी, उसको बोला कि आप थोड़ा इसका ध्यान रखिए, हमारा ध्यान वो रखते थे और हम रियाज करते थे। एक टीचर आते थे हमारे पास पढ़ाने के लिए, क्योंकि स्कूल में बहुत टाइम चला जाता, वो टाइम ऐसा था कि स्कूल से बात कर लिया तो बोला हाँ हाँ ठीक है, लड़का तबला बजाता है, हम लोग कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। तो टीचर आते थे, 2-3 घंटा पढ़ाते थे, और बाकी पूरे टाइम हम तबला बजाते थे पिताजी के गाइडेंस में, और 12 घंटे 14 घंटे रोज का रियाज होता था। तो वो 3 साल का जो वो टाइम था, वही रियाज हुआ असल में मेरा सीखना और रियाज होना। और उसके बाद तो फिर हमको खुद ही एक एहसास हो गया कि अब हम और दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। पिताजी ने सिखाया था बड़े शौक से, लेकिन उनको ये नहीं था कि ये प्रोफेशन में जाए। इनको लगता था कि जैसे हमारे घर में दादाजी सुनते थे, फिर पिताजी सुनते थे, पिताजी नौकरी पेशा थे, तो उनको पसंद नहीं था कि पेशा नहीं बनाना है। लेकिन कालांतर में हमको लगा कि हम और कोई काम नहीं कर पाएंगे, हमको भी अपनी लाइफ को चलाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो हमको शायद यही करना पड़ेगा। तो उसके बाद हमने फिर सोचा कि अब विधिवत और हमको सीखना चाहिए। तो हम वहां से अपने जिद से निकल के, कोई सपोर्ट नहीं था उस समय, ऐसे रियाज करने का बड़ा सपोर्ट था पहले, जब हमने सीखना शुरू किया तो इतना सीरियस हो गए हम कि नौकरी हो गई थी हमको कॉलेज में। उसके बाद हम चले गए सीखने के लिए मुंगेर, पंडित बुलबुल महाराज जी थे वहाँ, तो उन्होंने बड़े प्यार से हमको सिखाया, और हम साथ साथ हमारा मतलब सीखना भी चलता था, प्रोग्राम भी होते थे, और फिर धीरे 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 हमको एकदम एहसास हुआ कि हम इतना सीख के रियाज करके और एक कॉलेज में जाते हैं, 1 महीने का इंतजार करते हैं, 1 महीने के बाद फिर एक सैलरी आती है, फिर उससे परिवार चलाते हैं, इसी के लिए हम तबला सीखे थे क्या, ये एहसास हुआ हमारे मन में, और हमने नौकरी छोड़ दी, नौकरी छोड़ के हम दिल्ली आ गए। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।